नमस्कार, जिप्सा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माय नेम इज भूजेंद्र चौहान। आई एम वर्किंग द जिप्सा एट द पोजीशन ऑफ फायर सेफ्टी फैकल्टी। यदि आप हमारे जिप्सा यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे जिप्सा यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा जो बेल आइकन जो है उसको आप प्रेस करें ताकि जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। आज हम जानेंगे द मेन कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट, क्या क्या मेन कॉजेस हो सकते हैं एक्सीडेंट के। वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रियल सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि जो 100% ऑफ एक्सीडेंट है उसमें 88% हमारा अनसेफ जो एक्शन है उसका इन्वॉल्वेशन होता है। उसके बाद में 10% हमारा अनसेफ कंडीशन उसका इन्वॉल्वेशन होता है तथा 2% जो एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं वो नेचर ऑफ एक्ट या फिर नेचुरल डिजास्टर के तहत होता है। हम चाहे तो अनसेफ कंडीशन को जो 10% है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं सेफ्टी मेजरमेंट के तहत, सेफ्टी पॉलिसी के तहत या सेफ्टी इंस्पेक्शन के तहत। लेकिन बात की जाए जो अनसेफ एक्शन, तो अनसेफ एक्शन ये ह्यूमन एरर से जुड़ा होता है। मतलब किसी इंसान की जो मिस्टेक है या जो गलती है जिसके तहत वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि हम कितना भी कोशिश कर ले तो किसी भी ह्यूमन का जो नेचर है, उसकी जो टेंडेंसी है तथा उसका जो बिहेवियर है या फिर जो निगेटिव एटीट्यूड है उसको कंट्रोल करने में हमेशा विफल होता है। ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट का जो रेशो है हमेशा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। मतलब हमें ये पता चला कि जो भी एक्सीडेंट का जो रेशो 100% होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो चांसेस होता है एक्सीडेंट का वो क्यों होता है, अनसेफ एक्शन की वजह से तथा उसके बाद में अनसेफ कंडीशन आ जाएगा तथा जो 2% ऑफ चांस होते हैं वो नेचर ऑफ एक्ट के तहत आता है। थैंक यू।